दोस्तों बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छी भर्ती निकाला है, शानदार भर्ती निकाला है 6570 पदों पे। दोस्तों यहाँ पे 6570 पदों पे लेखापाल के पदों पे बहाली निकाला गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होने वाला है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या उम्र सीमा चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इस भर्ती की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप बने रहिए, तभी जो है आपको जानकारी मिल पाएगा। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको राइट बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से 6570 पदों पर लेखापाल पदों पर यह बहाली निकाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेपर कटिंग के माध्यम से पूरी जानकारी बताया गया है और यहाँ पर जो है पंचायतों में 6570 लेखापाल भर्ती होंगे और यहाँ पे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो पंचायत में 6570 लेखापाल सह आईटी सहायक नियुक्ति होंगे। कुल पद इसमें पुरुष के लिए 4270 पद हैं जबकि महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद हैं। दैनिक योग्यता बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है 6570 पदों पे बहाली निकाला जाएगा जिसमें कि जो है आपका लेखापाल सह आईटी सहायक पदों पे जो है नियुक्ति किया जाएगा। इसमें दोस्तों 6570 पदों का जो बहाली है इसमें से 4270 पद ऐसे हैं जो कि पुरुष के लिए हैं और बाकी 2300 पद ऐसे हैं जो कि महिलाओं के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। और इसमें योग्यता की बात कर ले जो इसका योग्यता बीकॉम या एमकॉम या फिर सीए इंटर चाहिए, अगर ये आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और नीचे जैसे कि बताया गया है कि पंचायती राज विभाग के बिहार ग्रामीण स्वराज योजना सोसाइटी के अभ्यर्थियों के आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 14 मई 2024 शाम 5 बजे तक है। इसमें जो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन है वो 15 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा और इसका लास्ट आवेदन जो है 14 मई 2024 तक शाम तक 5 बजे शाम तक जो है इसका आवेदन लिया जाएगा। आवेदन से पूरी संबंधित जानकारी इसके यहाँ पे इस वेबसाइट पे चले जाइए और इसमें जो है आपको 12 अप्रैल से मिलेगी। इससे जो भी संबंधित जानकारी है आपको इस वेबसाइट पे 12 अप्रैल से इसका ऑफिशियल सूचना जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 12 अप्रैल को आपको इस वेबसाइट पे जो है आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जो है यहाँ पे आपको बताया गया है आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम के योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से होगा। संविदा के आधार पे नियुक्ति लेखापाल सह आईटी सहायक के प्रति माह 20,000 रुपए मिलेंगे। इसमें जो है आपका सैलरी भी बताया गया है कि आपको जो है 20,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। साथ में जो है यहाँ पे पंचायतों के लेखा संबंधित दस्तावेज के सही से रख रखाव करने के साथ योजना के चर्चा वाली राशि का पूरा हिसाब रखना है। राशि खर्च के बाद उपयोग प्रमाण पत्र भेजने के इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पूरा जानकारी बताया गया है कि आपका आवेदन कब होगा, आपका कितने पदों पे बहाली है और आपका जो है ऑफिशियल सूचना कब जारी किया जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको वो भी जानकारी दिया गया है कि आपका सैलरी जो है कितना होने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पूरा जानकारी इसका भर्ती के लिए बता दिया कि इसमें जो है आपका आवेदन जो है वो 15 अप्रैल से शुरू होगा और लास्ट आवेदन 14 मई तक होने वाला है। इसका जो सैलरी है वो 20,000 रुपए से शुरू होगा और यहाँ पे जो है आपको कोटी बार यहाँ पे पद दिए हैं कि आपका जो है कौन से कोटी में कितना आपको यहाँ पे पद है। जैसे यहाँ पे आपको आरक्षित के लिए बताया गया कि 1643 पदों पे निकलेगा जिसमें कि पुरुष जो है 1068 पदों पे और महिला जो है 575 पदों पे। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे बताया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 657 पदों पे है जिसमें कि पुरुष 427 पद और महिला जो है 230 पद। उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल 6570 पदों पर निकलेगा बहाली और जिसमें 4270 पद होंगे पुरुष के लिए और 2300 पद होंगे महिला के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी बता दिया कि कौन कौन इसमें आवेदन करने वाला है और किस प्रकार से जो है आपका इसमें चयन होगा और क्या काम करना होगा आपको इस लेखापाल और सह आईटी सहायक, मैंने वो भी पूरा जानकारी दे दिया। आशा करता हूँ दोस्तों इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर कोई आपका बात रह जाती है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।